So let's get started with the JavaScript. So हमने करना ये है कि जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन है इसको फंक्शनल बनाना है. तो इसके अंदर वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट? एक तो हमें ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बटन्स हैं इनको फंक्शनल बनाना है, तो वी नीड दीज इन द जावास्क्रिप्ट, राइट? तो ये तीनों बटन्स हमें चाहिए. फिर हमने HTML में वी हैव अ ऑडियो एलिमेंट, जैसे हमने वीडियो प्लेयर क्रिएट किया था इसी तरह से ऑडियो प्लेयर है, तो वी हैव एन ऑडियो एलिमेंट. तो ऑडियो एलिमेंट को हम मैनिपुलेट करेंगे तो इसकी भी ज़रूरत होगी, राइट? क्योंकि हम डिपेंडिंग ऑन कौन सा म्यूज़िक हम प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से वी हैव टू चेंज द सोर्स, ओके? एंड देन हमने ऑडियो के अंदर कंट्रोल्स भी एडजस्ट करना है, ठीक है? तो दैट्स इसके लिए हमें ऑडियो ऑडियो का एलिमेंट है उसकी भी ज़रूरत होगी इम्पोर्ट करने की जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? फिर हमने प्रोग्रेस बार भी क्रिएट किया हुआ है. तो प्रोग्रेस बार हमारा ये वाला जिसमें हम प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं सॉन्ग का, उसकी ज़रूरत होगी हमें, राइट? फिर सॉन्ग टाइटल चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग के कौन सा सॉन्ग करेंटली प्ले हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें वी ऑल्सो नीड टू गेट दिस एलिमेंट ताकि हम ये टेक्स्ट को चेंज कर सकें, राइट? एंड देन ऑल्सो हमें जो एल्बम आर्ट है इसकी भी ज़रूरत है, वी नीड टू रिप्लेस दिस. तो हमें ये वाला इमेज जो है इसको रिप्लेस करना है, तो इसकी भी ज़रूरत हमें होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट? एंड देन ऑल्सो जो ओवरऑल कंटेनर है उसको भी हम गेट कर लेंगे इन केस वी नीड इट, ठीक है? सो let's start from there and let's do this. So we'll do get DOM elements. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो कंटेनर है उसको गेट कर लेते हैं, दिस कंटेनर, ठीक है? सो वी कैन डू कॉन्स्टेंट कंटेनर इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर, ठीक है? तो ये हमारा कंटेनर हो गया. फिर हम जो बटन्स हैं उनको गेट कर लेते हैं. तो वी हैव द थ्री बटन्स, तो हमारे पास प्रीवियस प्ले एंड नेक्स्ट, ठीक है? सो ऐसा करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं. सो वी हैव प्रीवियस बटन, प्ले बटन, नेक्स्ट बटन, ठीक है? एंड देन उनकी जो क्लासेस थी, सो वी हैव प्रीवियस प्ले एंड नेक्स्ट, सही? तो ये हमारे बटन्स हो जाएंगे. फिर हम ऑडियो एलिमेंट को भी गेट कर लेते हैं, तो इसको हमने ऑडियो की आईडी दी है, तो लेट्स जस्ट डू ऑडियो ऑडियो, तो ऑडियो एलिमेंट का हो गया. फिर हम प्रोग्रेस बार को भी लेकर आते हैं, तो वी नीड दिस प्रोग्रेस बार. Dot get element by ID and ये हो गया, चीज चेक करता हूँ एक सेकेंड. प्रोग्रेस बार, सो वी हैव प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस बार. इंडेक्स में हमारे पास प्रोग्रेस है, ओके ओके, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे. या सो दैट्स आवर प्रोग्रेस बार. और हमें इसके अलावा जो सॉन्ग की इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, वी नीड द सॉन्ग टाइटल एंड वी ऑल्सो नीड द एल्बम आर्ट, राइट? तो पहले सॉन्ग टाइटल को गेट कर लेते हैं.
30, and then album art. इसके लिए एल्बम आर्ट ओके, तो ये हमारे डॉम एलिमेंट्स हो गए. नेक्स्ट हम अब लॉजिक पर आते हैं. तो हमें फंक्शनली अगर सोचें तो हमारे पास सॉन्ग्स की कोई लिस्ट होगी, राइट? बिकॉज हमने अगर प्लेयर चाहिए तो प्लेयर में सिंगल सॉन्ग तो होगा नहीं, तो वी नीड अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स. जावास्क्रिप्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने के लिए द बेस्ट वे टू डू इट इज विद इन अरे, राइट? तो हम यहाँ पर एक सॉन्ग्स का अरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो सॉन्ग्स, ठीक है, और एक अरे. तो अरे क्रिएट करने के लिए वी हैव द स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक लिस्ट ऑफ नेम जो सॉन्ग टाइटल्स हैं वो ऐड कर लेंगे, ठीक है? सो हमारे पास इस वक्त टू म्यूजिक फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं. तो वी कैन हैव वन कॉल्ड रूल एंड देन द अदर. अच्छा, और ये स्ट्रिंग में होगा, राइट? बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट. And then the other one is national anthem. तो दो tracks हमारे पास हैं, और जैसे आप list इसकी expand करेंगे तो you'll have a longer list of songs. इस वक्त हमारे पास कोई backend service नहीं है इसकी, तो we are just creating a array. यहाँ पर array create कर रहे हैं ताकि हम इस C JavaScript के अंदर एक makeshift song database create कर रहे हैं. It's just a list. अच्छा, तो ये हमारी list आ जाएगी यहाँ पर, as many songs as you want. फिर हमें क्या करना होगा कि जैसे हम songs play करेंगे इस list के अंदर से, हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हम इसको track कर सकें कि currently कौन सा song play हो रहा है according to this list. सही है? तो हमें एक इंडेक्स वैल्यू चाहिए इस अरे के अंदर से कि कौन सा सॉन्ग करेंटली प्ले हो रहा है. सो वी कैन डू लाइक इंडेक्स ऑफ करेंटली प्लेइंग सॉन्ग, ठीक है? और इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे. अच्छा, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा, राइट? बिकॉज हमें इसको कॉन्स्टेंटली वैल्यू को अपडेट करना होगा. जैसे हम इसमें से शफल करेंगे सॉन्ग्स को, डिफरेंट सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, तो इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी, राइट? सो वी विल नीड अ वेरिएबल जो चेंज हो सके. सो वी यूज लेट, और यहाँ पर हम कर सकते हैं सॉन्ग इंडेक्स, और इसको हम फिलहाल लेट्स जस्ट कॉल इट, लेट्स जस्ट पुट वन, और वन में फिर विल हैव द नेशनल एंथम सिलेक्टेड, राइट? बिकॉज इंडेक्स वैल्यू है तो जीरो होगा, तो इट विल बी योर टोटल, एंड देन इफ इट्स वन तो फिर हमारा नेशनल एंथम आता है. We'll go with that. तो ये एक तरीका हो जाएगा कि हम कौन सा सॉन्ग करेंटली लिसन कर रहे होंगे, ठीक है? और उसकी इस वैल्यू से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि टाइटल क्या शो कराना है, इमेज कौन सी शो करानी है, एंड ऑडियो में सॉन्ग कौन सा लोड करना है. ओके, सो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा ऑन हाउ टू ट्रैक के करेंटली कौन सा ट्रैक प्ले होगा. ओके, अब हमारे पास ये ट्रैक सेलेक्ट हो गया है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस ट्रैक की डिटेल्स को हमें डॉम के अंदर लोड कराना होगा, राइट? सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लोड द इनिशियल ट्रैक, ठीक है? तो यहाँ पर हम कर लेंगे लोड, मैंने कुछ वर्डिंग को ना मिक्स करा, कंसिस्टेंसी कर सकते हैं. लेट्स, मुझे ट्रैक का वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट डजेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉन्ग्स ही ऐड करें, इट्स एनी काइंड ऑफ ऑडियो, राइट? तो ऑडियो में वी कैन कॉल इट ट्रैक, ट्रैक्स, एंड देन वी कैन कॉल इट ट्रैक इंडेक्स. सो लोड ट्रैक, तो कौन सा ट्रैक आप करेंटली लोड करना चाह रहे हैं?
और ये एक फंक्शन हम कॉल करेंगे, विल डिफाइन द फंक्शन, यहाँ पर सिर्फ हम इसको कॉल कर रहे हैं. तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम बताएंगे कि कौन सा ट्रैक लोड करना है, ठीक है. और उस फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो हमें ये भी बताना होगा राइट, कि कौन सा ट्रैक है जिसको लोड करना है. तो उसके लिए हम ये इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर लेंगे. तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू इस अरे को कॉल करें सबसे पहले ट्रैक्स, और इसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू को यूज़ कर लें यूजिंग ट्रैक इंडेक्स वैल्यू लाइक दिस. ठीक है, तो जो भी करेंटली आपकी वैल्यू होगी वो उस इंडेक्स के अंदर जो भी सॉन्ग है दैट्स व्हाट वी विल लोड. ठीक है, तो वी विल हैव लाइक दैट. अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग विल डू इज इस फंक्शन को अब हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो लेट्स define that function और इसको हम कहते हैं define the function to load the track, load the selected track. सही है. अच्छा, तो this is a function और इसको हमने नाम दिया हुआ है load track, और इसके अंदर track की information आएगी, so the track index basically, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा. अब इसका काम क्या है कि इसके अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें करनी है. एक तो हमें टाइटल अपडेट करना है कि जो भी टाइटल डॉम के अंदर डिस्प्ले होगा दैट्स वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. दूसरा हम ये करेंगे कि जो ऑडियो एलिमेंट है उसके अंदर वी हैव टू चेंज द सोर्स राइट, क्योंकि ऑडियो के अंदर ऑडियो एलिमेंट में सोर्स फाइल के अंदर वी हैव द फाइल नेम के कौन सी फाइल हम प्ले कर रहे हैं. तो डिपेंडिंग ऑन के कौन सी इंडेक्स वैल्यू सेलेक्ट हुई है उसका रिलेटेड जो ट्रैक है वो हमने ऐड करना होगा ऑडियो एलिमेंट की सोर्स एट्रीब्यूट में. ठीक है, एंड देन जो कवर इमेज है वो भी रिप्लेस करेंगे राइट. तो जो भी सेलेक्टेड ट्रैक होगा उसका इमेज भी ऐड हो जाएगा. तो ये तीन चीज़ें हमने करनी है इस फंक्शन के अंदर. तो लेट्स डू इट वन बाय वन. सबसे पहले अपडेट द टेक्स्ट फॉर द टाइटल ऑफ ट्रैक. ठीक है, तो टाइटल के लिए हमने टाइटल को गेट किया हुआ है यहाँ पर. वी हैव टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट. ठीक है, हम टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं राइट, बिकॉज इस टाइटल का हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं. तो विल डू इनर टेक्स्ट इक्वल्स, और यहाँ पर हम जो ट्रैक की वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे. सो इसके लिए हम जो भी इनपुट है वो यूज़ कर लेंगे. तो विल जस्ट पास ट्रैक. ठीक है, तो वो ट्रैक का नाम आ जाएगा राइट, बिकॉज हम उसमें पास कर रहे हैं कि कौन सा ट्रैक है. तो दैट्स व्हाट विल गेट, टाइटल अपडेट हो जाएगा. नेक्स्ट विल डू अपडेट द सोर्स इन द ऑडियो एलिमेंट विद द ऑडियो फाइल ऑफ द सेलेक्टेड ट्रैक राइट. कि जो भी ट्रैक सेलेक्टेड है जिसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पे उसकी सोर्स ऑडियो एलिमेंट में ऐड कर दें. तो नाउ विल डू ऑडियो डॉट सोर्स राइट, बिकॉज ऑडियो एलिमेंट में वी हैव सोर्स ऑडियो एलिमेंट राइट. सो ऑडियो एलिमेंट में वी हैव सोर्स. सोर्स को हम अपडेट करेंगे, वी कैन डू लाइक दिस इक्वल्स, और यहाँ पर हमें पाथ बताना है. अच्छा, एक तो होता है कि हम स्ट्रिंग वैल्यू दे के पाथ बताते हैं, बट हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डायनामिकली इसको प्ले करना होगा बिकॉज हम सॉन्ग्स को एडजस्ट कर रहे होंगे राइट. सो वी यूज़ अ टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पर हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इस
के हिसाब से मैं पाथ बनाना होगा। तो सारे म्यूजिक जितने भी म्यूजिक फाइल्स हैं वो सब हमारे म्यूजिक फोल्डर में होंगी। वी विल डू लाइक दिस म्यूजिक स्लैश राइट, म्यूजिक फोल्डर के अंदर होगा और फिर ट्रैक का नाम होगा राइट। सो वी विल डू अ डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे ट्रैक आ जाएगा राइट। तो क्योंकि ट्रैक के अंदर नाम है तो जैसे नेशनल एंथम है तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस हियर। इसको हम अगर रीनेम करके या स्पेस ऐड कर दें तो देन इट शुड मैच राइट। बेसिकली जो टाइटल है और जो ट्रैक नेम है बाय इस डिज़ाइन के हिसाब से दीज शुड मैच एंड दैट्स फाइन सिंपलिसिटी के लिए। एंड देन also music file ki extension hai so we have a .mp3 we'll do .mp3 right so basically kya hoga ki depending ke jo bhi aapka title selected hua hoga jo track ki value hai yahan par selected track ki jo title hai wo aa jayega and that will match the music file path so yeah so this should work hopefully okay and then okay so ye hamara ho jayega title ho gaya audio ho gaya aur fir reh gaya hamara cover right acha cover image ke liye hum jaise humne audio source ko update kiya isi tarah se humne jo album art wala jo image hai uski bhi source ko update karna hai okay so we'll do the same thing so we'll do update the source in the image element with the image file of the selected track okay ye aa gaya acha and now hame जो हमारी एल्बम आर्ट है उसको एक्सेस करेंगे तो एल्बम आर्ट डॉट सोर्स राइट। एल्बम आर्ट हमारी एल्बम आर्ट को रेफर करता है जो एक इमेज है और इसकी भी सोर्स है तो उसकी सोर्स को अपडेट करेंगे इस बार। एंड नाउ जैसे हमने पहले म्यूज़िक को म्यूज़िक फोल्डर को पाथ बनाया था नाउ वी हैव टू हैव अ पाथ फॉर द इमेज राइट। तो इमेजेस स्लैश और यहाँ पर अगेन हमें ये करना होगा कि विल हैव टू पास द नेम ऑफ द ट्रैक ट्रैक। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस। आई गेस हम ये कर सकते हैं कि विल या तो हम दूसरा फ्लैग ढूंढ लें जो जस्ट मेक इट इजियर फॉर नाउ पाकिस्तान फ्लैग जेपैक फॉर्मेट में अगर हमें मिल जाए दिस वन जेपैक इमेज सब डाउनलोड इसको मैं अपने फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ। ओके तो नाउ वी शुड हैव ये भी एक पिक्चर आ गई। ओके सो इस वाले को रिमूव कर देते हैं इसकी नीड नहीं है। एंड देन जैसे हमने इसको नेम किया हुआ है ना तो हमें इसको भी टाइटल के हिसाब से ही इसको नेम कर दें। विल दिस हैव अ नेशनल एंथम डॉट दिस इसको कर देंगे ठीक है। तो वी हैव द सेम एक्सटेंशन और सेम तरह की नेमिंग है इमेजेस की एंड म्यूजिक की जस्ट टू गेट इट वर्किंग ओके। सो अच्छा तो अब इमेजेस के अंदर वी हैव इमेजेस स्लैश ट्रैक
तो दैट्स नेशनल एंथम एंड देन हमें एक्सटेंशन को भी ऐड करना होगा, तो विल डू डॉट जेपीईजी। तो इस तरह से हमारे पास जो एल्बम आर्ट है वो भी इमेजेस फोल्डर से मैप करके ट्रैक के नेम के हिसाब से फाइल को सर्च करेगी, एंड देन उसकी जो जेपेग वर्जन है वो एडजस्ट वो ऐड करके कवर को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर अब वंस दिस फंक्शन लोड्स राइट, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम सेव कर दें, और आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ये लोड हो चुका है राइट, हमारी एल्बम आर्ट भी चेंज हो गई है। एंड नेक्स्ट हमें करना ये है कि जो टाइटल इन्फॉर्मेशन है वो भी हिडन है बिकॉज प्लेयर अभी एक्टिव नहीं है। तो नेक्स्ट जो मूव होगी हमारी, हमें ये करना है कि जो सॉन्ग है उसको हमने प्ले करना है राइट, तो ये वाले बटन्स को हमने एक्टिव करना है। तो प्ले बटन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्ले बटन को हम ऑलरेडी गेट कर चुके हैं यहाँ पर। हमने क्या करना है अब कि हमें कुछ इवेंट लिसनर्स की ज़रूरत होगी राइट। तो पहला इवेंट लिसनर हम कर लेते हैं लिसन फॉर क्लिक ऑन द प्ले बटन राइट। तो प्ले बटन पे इवेंट लिसनर ऐड कर दें ऑन क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो इस टाइम पर हमने करना क्या है, तो हम या तो एक्सटर्नल फंक्शन बना सकते हैं या हम यहीं पे कोई फंक्शन क्रिएट कर लें। तो वी कैन डू एरो फंक्शन हियर। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ टास्क हमने करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि चेक करना है कि क्या पहले से सॉन्ग प्ले हो रहा है या नहीं राइट। अगर पहले से सॉन्ग प्ले हो रहा है तो हमें उसको पॉज करना होगा, और अगर प्ले नहीं हो रहा तो फिर हमने उसको प्ले करना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि एक यहाँ पर चेक इफ ट्रैक इज प्लेइंग। ठीक है, तो एक हम कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं एंड इट्स कॉल्ड इसको कहते हैं इज प्लेइंग, अगर ट्रैक हमारा प्ले हो रहा है या नहीं। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जब जब व्हेन वी क्रिएटेड CSS तो हमने क्या किया था कि जब 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 वीडियो नॉट वीडियो जब ऑडियो प्ले होगी तो जो जो मेन कंटेनर है मेन कंटेनर के अंदर विल हैव अ सेकेंड क्लास कॉल्ड प्ले राइट। तो यहाँ पर हम अगर प्ले को ऐड कर देते हैं तो प्ले होना शुरू होता है राइट, ट्रैक प्ले होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इंस्टेड ऑफ दिस हम चेक करेंगे कि जब जब हमें चेक करना होगा कि ऑडियो प्ले हो रहा है या नहीं, तो सब इजी तरीका यह है कि हम कंटेनर को एक्सेस करें, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट, और उसमें हम चेक कर लें कि क्लास लिस्ट के अंदर प्ले की वैल्यू है या नहीं। बेसिकली क्या कंटेनर में प्ले अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं, तो अगर वीडियो अगर ऑडियो प्ले हो रहा होगा तो कंटेनर में सेकेंड क्लास होगी फॉर प्ले। ठीक है, तो दिस विल टेल अस ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि ऑडियो प्ले हो रहा है या नहीं इसकी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है डिपेंडिंग के इसकी वैल्यू क्या है, इफ सॉन्ग इज यहाँ पे हम कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ ऑडियो प्लेबैक। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इफ इज प्लेइंग, मतलब अगर इसकी वैल्यू ट्रू है राइट, तो इफ दिस इफ इफ द ट्रैक इज प्लेइंग पॉज द ट्रैक। ठीक
है, तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन हम मेक कॉल कर लेंगे कॉल पॉज ट्रैक, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होगी एल्स में कि इफ द ट्रैक इज नॉट प्लेइंग प्ले द ट्रैक, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्ले ट्रैक, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमें क्रिएट करना है प्ले एंड पॉज के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। नेक्स्ट फंक्शन टू प्ले द सॉन्ग, तो इस फंक्शन में यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है कॉल्ड प्ले नॉट सॉन्ग ट्रैक, राइट, प्ले द ट्रैक। सो फंक्शन फॉर प्ले ट्रैक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कंटेनर है उसमें जाएंगे, क्लास लिस्ट में जाएंगे और उसमें प्ले वाली क्लास ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड द सेकेंड क्लास प्ले टू द कंटेनर, ठीक है। तो जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये वाली क्लास ऐड हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा हमें क्या करना है कि जब हम प्ले करें, प्ले हो रहा है, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि जब हम प्ले करेंगे तो जब सॉन्ग प्ले हो रहा हो तो उस वक्त प्ले बटन नहीं होना चाहिए, शो पॉज बटन शो होना चाहिए। तो इस केस में हमें पॉज बटन शो करना चाहिए, तो विल से रिमूव द प्ले बट प्ले आइकन एंड डिस्प्ले द पॉज आइकन इंस्टेड, नहीं तो प्ले बटन को हम एक्सेस करेंगे और उसके अंदर प्ले बटन में प्ले बटन की जो ये ना प्ले बटन, अच्छा प्ले बटन के अंदर हमारे पास ये कंटेंट है, तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू इसको ऐसे करते हैं लॉग प्ले बटन डॉट इनर एचटीएमएल। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे शो होता है, ठीक है। तो ये इनर एचटीएमएल डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो ये प्ले बटन का इनर एचटीएमएल है, तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड वो इस तरह से करते हैं कि प्ले बटन का इनर एचटीएमएल अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये होगा हमारा प्ले की जगह हमें पॉज बटन अगर ऐड करना है, तो लेट्स ट्राई दिस। अब इसको प्ले करेंगे अगर तो विल हैव द पॉज बटन शो अप, ठीक है। क्या तो दैट वर्क्स, हमारा पॉज बटन शो रहा है। इसको कंसोल को हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम प्ले करेंगे तो क्लास प्ले ऐड हो जाएगी एंड इनर एचटीएमएल विल शो द पॉज बटन इंस्टेड ऑफ प्ले बटन। अच्छा, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा जो यू आई वाली चीज़ें हो गई। अच्छा, हमने ऑलरेडी जैसे ही हमने ऑडियो को प्ले बटन क्लिक किया जैसे ही हमने, तो वी शुड प्ले द ट्रैक, राइट, क्योंकि हमने एक्चुअली में ट्रैक प्ले नहीं हो रहा है इसे, तो यहाँ पर हमें ट्रैक को प्ले करना है। तो प्ले द ट्रैक यूजिंग द ऑडियो एलिमेंट,
यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करना है कि ऑडियो में वी जस्ट हैव टू कॉल द प्ले मेथड, ये बिल्ट इन है ऑडियो का, जैसे वीडियो के अंदर प्ले एंड पॉज की बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज नहीं, इसी तरह से ऑडियो के अंदर भी, तो वी कैन डू द प्ले बटन. नाउ लेट्स चेक दिस. ओके सो ओके, तो मेरे पास साउंड आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अगर आपको आवाज आ रही है या नहीं, बट And there we go. So that audio is playing. Acha. The play button is working. Yeah. Is waqt problem kya hogi ki if we play it and then agar hum dobara se play button press karenge to hame error aa raha hai because pause track kabhi create nahi hoga. So that's the next step. Hum pause ट्रैक का फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं. तो फंक्शन टू पॉज द ट्रैक, यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, विल कॉल इट पॉज ट्रैक एंड देन इस फंक्शन के अंदर क्या करना है हमने, जैसे हमने प्रीवियसली किया है विल फॉलो द सिमिलर स्टेप्स, अच्छा लेकिन हम रिवर्स में करेंगे राइट. तो पहले हमने क्या किया था कि हमने क्लास ऐड की थी प्ले वाली राइट, तो नाउ वी हैव टू रिमूव द सेकंड क्लास, ठीक है, कंटेनर से रिमूव करनी है, तो इंस्टेड ऑफ ऐड विल रिमूव, ठीक है. तो जैसे ही हम पॉज करेंगे तो सबसे पहले हम ये वाली क्लास रिमूव कर देंगे. ओके फिर फिर हमने इंस्टेड ऑफ हैविंग द पॉज बटन डिस्प्ले, हमने प्ले बटन शो कराना होगा. तो नेक्स्ट हम करते हैं ये कि रिमूव द पॉज आइकन एंड डिस्प्ले द प्ले आइकन राइट. तो यहाँ पर हम प्ले आइकन शो कर देंगे एंड देन लास्टली इंस्टेड ऑफ प्ले हमें करना क्या है कि पॉज द ट्रैक यूजिंग द ऑडियो एलिमेंट, तो ऑडियो डॉट पॉज. ओके तो लेट्स ट्राई दिस. अब हम प्ले करेंगे अगर, तो ट्रैक प्ले होगा एंड पॉज करेंगे तो पॉज हो जाएगा एंड इट स्टॉप्स, ठीक हो गया. तो दैट्स आवर प्ले एंड पॉज फंक्शंस. तो ये वाली फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई. अच्छा अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि प्रीवियस सॉन्ग और नेक्स्ट सॉन्ग को हमने एक्टिव करना है, तो ये वाले दो बटन्स राइट. सो नेक्स्ट लेट्स डू दैट. तो एक इवेंट लिस्टर हमने क्रिएट किया हुआ था प्ले बटन का. नेक्स्ट हम इवेंट लिस्नर्स ऐड करेंगे इसके लिए, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के लिए. तो सेकंड वन लिसन फॉर क्लिक, क्लिक ऑन द प्रीवियस बटन, ऑन द प्रीवियस बटन इसको, ठीक है. सो विल डू प्रीवियस बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, ओके. और क्लिक क्या हो रहा है, मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है. ओके क्लिक, जब भी क्लिक होगा तो वी हैव टू डू सम फंक्शन. तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, वी कैन हैव अ प्रीवियस ट्रैक. ओके एंड देन इसी तरह से विल हैव अ थर्ड इवेंट, दिस नो लिसन फॉर क्लिक ऑन दी, और दिस विल बी द नेक्स्ट बटन, ठीक है, और ये कॉल करेगा नेक्स्ट ट्रैक फंक्शन. तो नाउ हमें ये दो फंक्शंस क्रिएट करने हैं, प्रीवियस ट्रैक एंड नेक्स्ट ट्रैक. तो यहाँ कर लेते हैं फंक्शन to switch to previous song. अच्छा तो यहाँ पे इसका इसका structure create कर लेते हैं. तो previous track function previous track, ठीक है. अच्छा तो जब हमने शुरू किया था सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो song index था वो क्रिएट किया था राइट. तो ट्रैक इंडेक्स आई मीन राइट. तो हमने एक
ट्रैक इंडेक्स क्रिएट किया था, और उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हम अरे में सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से ट्रैक को प्ले करना है। तो अब हमने क्या करना होगा कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमने ये इस वैल्यू को एडजस्ट करना है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट ट्रैक, अगर अगर आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमने इसको क्या करना होगा कि वी इसको वन से लेस कर देंगे, राइट, तो विल सब्ट्रैक्ट वन, और अगर नेक्स्ट सॉन्ग पे जाएंगे तो विल इंक्रीमेंट बाय वन। सही, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट करके वी कैन मैनिपुलेट के कौन सा ट्रैक हम प्ले करना चाह रहे हैं। सो जब हम प्रीवियस सॉन्ग पे जाएंगे तो हम इंडेक्स वैल्यू में से वन माइनस कर देंगे, तो विल हैव द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द प्रीवियस सॉन्ग, राइट, और प्रीवियस ट्रैक। तो ये हमें करना है। तो इजी तरीका है इसका कि जो ट्रैक इंडेक्स है, ट्रैक इंडेक्स को अगर हम ट्रैक इंडेक्स में से वन माइनस करना है, वी कैन डू ट्रैक इंडेक्स माइनस माइनस, और इस तरह से वी कैन डिक्रीमेंट बाय वन। सो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ट्रैक इंडेक्स बाय वन टू सेलेक्ट द प्रीवियस सॉन्ग ट्रैक फ्रॉम द ट्रैक अरे। ठीक है, तो जो ट्रैक अरे है उसमें से प्रीवियस ट्रैक को सेलेक्ट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू में से वन लेस कर देंगे। तो दैट शुड वर्क। इसमें एक एडिशनल चीज़ है कि अगर अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट सॉन्ग पर हैं लाइक दिस वन, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो ऑलरेडी ज़ीरो पर होगी, राइट, ये इसका जो ट्रैक है अर्थोरल का, इसका इंडेक्स ज़ीरो है। तो यहाँ से अगर आप वन डिक्रीमेंट करेंगे तो आप नेगेटिव वैल्यू में चले जाएंगे, राइट, बिकॉज ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा एंड यू हैव अ माइनस वन वैल्यू जो कि मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग हमें ये करना चाहिए कि अगर करंट इंडेक्स ज़ीरो है तो फिर हमें जो भी लास्ट सॉन्ग है लिस्ट के अंदर उस पर आ जाना चाहिए, राइट। तो इधर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, चेक इफ सेलेक्टेड ट्रैक इंडेक्स इज लेस देन ज़ीरो, राइट। तो इफ ट्रैक इंडेक्स, जो ट्रैक इंडेक्स की जो नई वैल्यू है डिक्रीमेंट करने के बाद, अगर वो ज़ीरो से कम है, राइट, तो अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, reassign the track index to the last track in the track array. ये कैसे करेंगे कि जो last track है array के अंदर उसके लिए हम track index को reassign करेंगे, और जो array है tracks का जो array है इसमें जाएंगे और इसकी लेंथ ले लेंगे, डॉट लेंथ, राइट, चार, लेकिन हमें लेंथ में से वन सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज लेंथ में से वन सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो विल जस्ट माइनस इट बाय वन। तो इस तरह से हमें इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी लास्ट ट्रैक की जो उस अरे के अंदर होगा। ओके, तो इस तरह से जो ये वाला इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब प्रीवियस सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब हमने क्या किया है कि हमने अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो नथिंग विल हैपन, नेक्स्ट ट्रैक इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसा करते हैं फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, प्रीवियस पे क्लिक करते हैं कुछ होगा नहीं, राइट, बिकॉज हो क्या रहा है कि बिहाइंड द सीन जो ट्रैक इंडेक्स की वैल्यू है वो अपडेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम डॉम में कुछ अपडेट नहीं कर रहे। तो
जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो डॉम है उसमें हम जो भी सिलेक्टेड ट्रैक है उसको लोड कर लें। तो लोड के लिए हमने लोड ट्रैक का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, राइट, लोड ट्रैक। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें कि लोड द सिलेक्टेड ट्रैक। अच्छा, और इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे हमने इनिशियली, बल्कि ये वाली लाइन कॉपी करते हैं, ये वाली, राइट, क्योंकि जो भी न्यू ट्रैक इंडेक्स है उसको लोड कर लेंगे। तो नाउ अगर हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, करना तो चाहिए, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पे लॉग कर लेते हैं, लेट्स डू अ लॉग ऑफ ट्रैक इंडेक्स। अब चल रहा है, पता नहीं पहले क्यों नहीं चल रहा था, सेव नहीं हुआ होगा मैंने, ठीक है। तो प्रीवियस पे अब क्या हो रहा है कि सिंस हमारे पास सिर्फ दो ट्रैक्स हैं यहाँ पर, तो हियर हमारे पास पाकिस्तान एंथम सेलेक्ट हुआ है। प्रीवियस करते हैं तो इट गोज बैक टू अर्तुरुल, एंड देन प्रीवियस अगेन करेंगे तो फिर दोबारा से पाकिस्तान एंथम पे आ जाएगा। एक्चुअली वो जो लॉग था उसको दोबारा से ऐड करते हैं जस्ट टू सी। तो यू कैन सी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो एंड माइनस वन की जगह इट गोज़ बैक टू वन, राइट, बिकॉज हमने ये एडिशनल लॉजिक अप्लाई कर दी, राइट। अगर इसको हम हटा देते, अगर इसको कमेंट कर दें, फिर क्या होगा कि व्हेन वी क्लिक प्रीवियस ज़ीरो होगा एंड देन प्रीवियस अगेन पर इट विल बी माइनस वन एंड देन माइनस वन पे यू हैव एन एरर। तो इसलिए हमने ये वाला ऐड किया था कोड, ताकि जब आप फर्स्ट इंडेक्स ज़ीरो पर आ जाएंगे, जो फर्स्ट सॉन्ग है, फर्स्ट ट्रैक है एरे के अंदर, तो प्रीवियस अगेन प्रीवियस पे जाने से आपको लास्ट ट्रैक पर दोबारा से लिया, राइट। तो इस तरह से एक इन्फिनिट जो म्यूज़िक प्लेयर्स के अंदर होता है ना नॉर्मली, कि आपका ट्रैक कभी एंड नहीं होता, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन, तो वो वाला इसके अंदर फीचर आ जाता है इस तरह से। अच्छा, तो ये हो गया हमारा इस तरह से सॉन्ग लोड हो गया, जो भी हमने यहाँ पर ट्रैक लोड किया है इट्स लोडेड, लेकिन प्ले नहीं हो रहा। तो प्ले करने के लिए प्ले द सेलेक्टेड ट्रैक, तो हमने लोड करने के बाद उसको प्ले भी करना है अगर, तो फिर हम सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे, प्ले ट्रैक वाला, राइट, प्ले ट्रैक। तो अब हम अगर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो प्ले द ट्रैक एंड देन वी कैन पॉज इट। दोबारा प्रीवियस करेंगे तो वो इट शुड प्ले द ट्रैक, ठीक है, एंड देन इसको भी दोबारा से हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सॉन्ग पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग का भी इट विल बी जस्ट लाइक दिस। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पूरे को एंड देन जस्ट इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। तो फंक्शन टू स्विच टू द नेक्स्ट ट्रैक एंड देन फंक्शन का नेम है नेक्स्ट ट्रैक। अच्छा, नाउ अब रिवर्स करेंगे, राइट। तो जब प्रीवियस कर रहे थे तो हम डिक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट वैल्यू बाय वन टू सेलेक्ट द नेक्स्ट ट्रैक, सही है। और इसको इंक्रीमेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस माइनस विल डू ट्रैक इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी ट्रैक इंडेक्स के अंदर वैल्यू है उसको वन से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। तो अगर ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, वन हो जाएगा तो वन है तो टू हो जाएगा, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो नाउ लेट्स चेक दैट, अगर हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं,
यहाँ पर हमने इसको अनकमेंट किया हुआ, राइट, एंड देन इधर हम इसको ये पूरा कमेंट कर देते हैं फिलहाल, एंड यहाँ पर एक लॉग कर लेते हैं ट्रैक इंडेक्स का जस्ट टू फॉलो अलोंग, राइट। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो जो इंडेक्स वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन हमारे पास ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमारे पास अरे के अंदर सिर्फ दो हैं, वी ओनली हैव 0 एंड 1। तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, हमने क्या किया था कि वन सेकेंड, तो हाँ अच्छा, तो हमने पहले क्या किया था कि पहले हम चेक कर रहे थे प्रीवियस सॉन्ग के अंदर कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होती है तो हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि वो सॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता होगा। यहाँ पर हमें रिवर्स करना है, तो हमें 0 से कंपेयर नहीं करना, हमें एक्चुअली क्या करना है कि जो हमारे पास ट्रैक का अरे है ये वाला, इसकी जो ओवरऑल लेंथ है अगर उससे ज़्यादा की कोई वैल्यू आ जाती है तो वो फिर हमारे पास ट्रैक एग्जिस्ट नहीं करता होगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज कि जैसे हमने पहले ट्रैक्स डॉट लेंथ माइनस 1 किया था, हम कंडीशन के अंदर ये कर सकते हैं कि अगर ट्रैक इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से ज़्यादा हो जाती है, राइट, लाइक दिस, कि जितने जितने ट्रैक्स हैं उससे ज़्यादा इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है अगर, तो हम फिर उस केस में तो चेक इफ सेलेक्टेड ट्रैक इंडेक्स इज ग्रेटर देन द इंडेक्स ऑफ लास्ट ट्रैक, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हम जो ट्रैक इंडेक्स है उसको हम रीअसाइन कर देंगे एंड विल ब्रिंग इट बैक टू 0। 0 से क्या होगा कि जो पहला ट्रैक होगा अरे के अंदर उस पे आ जाएंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर देन नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि बल्कि इसको टेस्ट कर लेते हैं थ्योरी को कि इस वक्त अगर हमारा log track index, if track index is greater than length minus 1, अच्छा it's because यहाँ पे कर रहा हूँ log इधर होगा track index check, okay, तो we'll have 0 and 1 again, right, क्योंकि 0 and 1 के अलावा भी कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो नेक्स्ट हम इसको अनकमेंट करते हैं कि ट्रैक लोड हो जाए नेक्स्ट के क्लिक पे, तो इट विल इज 0, देन एंथम इज 1 एंड देन बैक टू 0, ठीक है। अगर प्रीवियस पे जाएंगे 0 तो इट विल गो टू 1, राइट, दैट्स वर्किंग, एंड देन प्ले ट्रैक को भी अनकमेंट कर देते हैं ताकि नाउ अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो भी चलेगा और प्रीवियस पे जाते हैं तो भी चलेगा, राइट, तो इट्स ऑल गुड है। इस लॉग को हटा देते हैं, तो ये हमारा ये हमारे प्रीवियस प्ले एंड नेक्स्ट बटन्स अब तीनों वर्किंग में आ गए, राइट। तो अगर हम प्ले करते हैं वो भी चल रहा है, पॉज भी चल रहा है, प्रीवियस चल रहा है एंड नेक्स्ट भी चल रहा है, राइट, इट्स ऑल वर्किंग। ओके, आई थिंक जो लास्ट काम है हमारा वो प्रोग्रेस बार का रह गया, तो लेट्स डू दैट वन नेक्स्ट। अच्छा, प्रोग्रेस बार में हमें क्या करना है कि जब भी हम जब हम म्यूजिक को प्ले करेंगे तो जैसे जैसे जो ट्रैक है उसकी वो प्ले होता रहेगा उसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती रहेगी, राइट। जैसे हमने वीडियो प्लेयर में भी प्रोग्रेस बार क्रिएट किया था
इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस बार क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आपकी ऑडियो ट्रैक के अंदर जो भी करंट जो टाइम है उसको शो करे प्रोग्रेस बार के अंदर, के पूरे ट्रैक के ड्यूरेशन में से कहाँ तक प्ले हो चुका है, राइट। सो नाउ अब हम क्या करें कि एक और इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं हम ऑडियो एलिमेंट के ऊपर। तो वी हैव अ न्यू एलिमेंट, सो लिसन फॉर अ टाइम अपडेट ऑन ऑडियो एलिमेंट। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में कि जो ऑडियो एलिमेंट है उसके अंदर हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं, और ऑडियो ऑडियो एलिमेंट के अंदर बिल्ट इन इवेंट होता है कॉल्ड टाइम अपडेट। इस इवेंट में क्या होता है कि जैसे आपका ऑडियो प्ले हो रही होती है तो जो उसकी जो उसका करंट टाइम होता है वो अपडेट होता जाता है एज इट एज द ऑडियो प्लेज, राइट। तो जो भी जैसे जैसे ऑडियो प्ले होगा वो टाइम अपडेट होता रहेगा, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट इवेंट हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो प्रोग्रेस बार है उसको भी टाइम अपडेट के साथ साथ मूव करते रहें। तो यहाँ पे विल हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपडेट प्रोग्रेस, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑडियो एलिमेंट का टाइम अपडेट होता रहेगा उसी तरह से प्रोग्रेस बार भी अपडेट होता रहेगा, राइट। तो नाउ वी हैव टू डिफाइन दैट अपडेट प्रोग्रेस फंक्शन। अच्छा, तो वी क्रिएट अ फंक्शन फंक्शन टू अपडेट द प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो फंक्शन अपडेट प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इवेंट पास कर देते हैं बिकॉज हमें डेटा चाहिए होगा इवेंट के अंदर से, क्योंकि हमें जो टाइम अपडेट इवेंट है उसमें से हमें पता पता लगाना है कि कितना टाइम प्ले हो चुका है ऑडियो के अंदर से, राइट। सो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि विल डू दिस, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक्चुअली में होगा ये कि अगर हम लॉग करें इवेंट डॉट सोर्स एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, सोर्स एलिमेंट डॉट ड्यूरेशन अगर करें, ठीक है। तो ड्यूरेशन हमारे पास आ रही है कि ये जो ट्रैक है इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है, तो इट्स अबाउट 82 सेकेंड्स, 82 एंड हाफ सेकेंड, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास ये है ड्यूरेशन की, दूसरी वैल्यू हमारे पास है करंट टाइम की, जैसे हमने वीडियो एलिमेंट में भी देखा था, राइट। तो करंट टाइम में क्या आ रहा है कि आप करंटली कितना कौन से पोजीशन पर हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स आउट ऑफ द टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं इवेंट इवेंट के अंदर, जो हमारा टाइम अपडेट इवेंट है, टाइम अपडेट इवेंट है जो हमने इवेंट लिसनर से गेट किया है, ठीक। उसको हम यहाँ पे पास करें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू सम डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि हम ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि हम इवेंट में सोर्स एलिमेंट को एक्सेस करके उसके अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको इंडिविजुअली ग्रैब कर सकते हैं। तो हमने ड्यूरेशन और करंट टाइम को अगर लेकर आना है तो होगा ये कि ये दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर से जिनका नाम ये मैच हो रहा होगा, राइट। तो नाउ अगर हम लॉग करें ड्यूरेशन एंड करंट टाइम, तो क्या होगा कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो सोर्स एलिमेंट के अंदर से डीस्ट्रक्चर होकर बाहर आ गई हैं इन इन देयर ओन वेरिएबल्स। तो अब हम इसको अगर करेंगे फिर तो ये दोनों वैल्यूज लॉग हो रही, ठीक। तो ये दोनों को हमने
destructure कर लिया, so we can have a comment destructure the duration, total duration and current time of the audio. अच्छा तो ये आ गया हमारे पास डेटा ये वाला. अच्छा बाकी हमने वीडियो प्लेयर के अंदर ये वाला काम किया हुआ है कि प्रोग्रेस बार हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो वी यूज अ परसेंटेज सिस्टम अगेन. तो यहाँ पर हम एक पहले कमेंट कर लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं. हमने करना ये है कि करंट टाइम एंड ड्यूरेशन को लेकर हमें ओवरऑल प्रोग्रेस की परसेंटेज निकालनी है, राइट. तो कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ ओवरऑल ऑडियो प्लेड, ठीक है, यूजिंग करंट टाइम एंड टोटल ड्यूरेशन. ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्रेस percent equals percentage equals अच्छा यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे. तो इसके लिए विल डू करंट टाइम को डिवाइड करेंगे ओवरऑल ड्यूरेशन से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट. और हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि कितनी ड्यूरेशन हमने परसेंटेज वाइज ऑडियो की लिसन कर चुके हैं. Now if we do log of progress percentage, अब इसको अगर हम प्ले करें तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू एक आ रही है, तो आउट ऑफ 100% जितना भी हम लिसन कर चुके हैं. अच्छा अब हमारे पास जब परसेंटेज आ गई है तो अब हमें सिर्फ क्या करना है कि ऑल वी हैव टू डू कि जो प्रोग्रेस बार है उसकी विड्थ हमने एडजस्ट करनी है, ठीक है. तो ये एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है कि डिड वी क्रिएट द राइट स्टाइलिंग. तो प्रोग्रेस बार, तो वी हैव डॉट प्रोग्रेस बार, लेकिन क्या हमने इसको इंडेक्स में ऐड किया था? Progress. I think हमने progress bar को add नहीं किया था. Just a minute. तो एक्चुअली मैं मुझे ये करना है कि ये हो जाएगा हमारा प्रोग्रेस. बेसिकली हमें करना ये है कि जो प्रोग्रेस बार है ना जो यहाँ पे शो होता है, वी एक्चुअली नीड टू प्रोग्रेस बार्स चाहिए. बेसिकली एक चाहिए जो हमारा प्रोग्रेस बार का कंटेनर है और दूसरा चाहिए जो एक्चुअल प्रोग्रेस बार जो डिस्प्ले होगा. So what we'll do is ये जो हमने पहले से ऐड किया हुआ है, दिस विल बिकम आर कंटेनर, ठीक है. तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं एंड देन इसके अंदर हम एक और डिफ क्रिएट कर लेते हैं एंड वी कैन कॉल दैट द प्रोग्रेस बार. तो वी कैन डू प्रोग्रेस और हमने स्टाइल किया हुआ है इसको ऑलरेडी, तो कॉल इट प्रोग्रेस बार और इसको आईडी हम दे देते हैं प्रोग्रेस बार. There we go. All right, तो ये हमारे पास आ गया. अच्छा एंड देन इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर जब हमने ऐड किया था तो वी हैव द प्रोग्रेस जो हमारा कंटेनर है एंड हमें ऑल्सो ज़रूरत है इस
प्रोग्रेस बार की जो हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस बार है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रोग्रेस बार इक्वल्स, ठीक है, तो एक हमारा कंटेनर है, एक हमारा प्रोग्रेस बार है, ऑलराइट, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो दोबारा से वो फंक्शन यहाँ पर, अच्छा, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से जो प्रोग्रेस बार है उसकी ओवरऑल जो विड्थ है वो हमारे प्रोग्रेस बार के कंटेनर के 100% स्केल सिस्टम के ऊपर है, तो 0% मींस के कुछ भी फिल नहीं हुआ होगा, राइट, एंड देन 100% मींस के पूरी प्रोग्रेस बार फिल हुई है, तो उसके लिए आई थिंक पहले हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आई थिंक प्रोग्रेस बार 30% पे अगर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ जो है वो फिल हुई भी है, लेट्स डू दिस कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क अगर हो सकता है तो लेट्स डू दैट, ऐसे करते हैं इसको, नजर आए, ठीक है, यू कैन सी कि 50% पर प्रोग्रेस बार फिल हुआ हुआ है बिकॉज यहाँ पर ये फिक्स्ड हुआ हुआ है, I'll just switch it to zero here, ठीक है, ताकि starting में progress bar will be at 0%, and then यहाँ पर जैसे जैसे ये percentage progress percentage बढ़ती है हम width को इस percentage के हिसाब से adjust करते रहेंगे, ठीक है, तो reassign width of progress bar using the progress percentage, ये कैसे होगा कि जो हमारा प्रोग्रेस बार है दिस वन इसको हम लेंगे, ठीक है, और इसकी जो इसके स्टाइल में जाएंगे स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो विड्थ की जो स्टाइलिंग है वो आ जाएगी, इसको अगर हम अपडेट कर दें तो वी कैन रिप्लेस दैट, और यहाँ पर हम एक डायनामिक वैल्यू ऐड कर दें यूजिंग एक्सप्रेशन, और इधर प्रोग्रेस परसेंटेज को ले आए, और ये एक परसेंटेज वैल्यू है तो वी नीड अ परसेंट साइन क्योंकि ये विड्थ की परसेंटेज वैल्यू इस तरह से डिफाइन हो जाएगी, ओके, तो अब क्या होगा कि जब हम प्ले करेंगे तो होना ये चाहिए कि जितनी भी ड्यूरेशन हमने वॉच किया उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होगी और उस परसेंटेज को हम यूज़ कर लेंगे एज द विड्थ ऑफ प्रोग्रेस बार, तो अगर अब हम प्ले करेंगे तो इट स्टार्ट एट ज़ीरो एंड देन जैसे जैसे ट्रैक प्ले होगा प्रोग्रेस बार प्रोग्रेस होती है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपडेट प्रोग्रेस, एक चीज़ रह गई है कि जब हम इसको प्ले करते हैं जब हम प्ले करते हैं और प्रोग्रेस बार पे कहीं पे क्लिक करते हैं तो ट्रैक की जो क्या कहते हैं पोजिशनिंग है प्रोग्रेस बार की वो अपडेट नहीं होती, राइट, क्योंकि हमने उसका कोई हैंडलर क्रिएट नहीं किया हुआ, सो व्हाट वी कैन डू यहाँ पर हम एक और हम इवेंट लिस्ट में क्रिएट कर दें कि लिसन फॉर क्लिक ऑन द प्रोग्रेस progress bar, right, or the progress container actually, क्योंकि हम जब क्लिक कर रहे होंगे कंटेनर पे होगा एक्चुअली में, सो विल डू ऑन प्रोग्रेस कंटेनर, अच्छा बल्कि प्रोग्रेस बार कर दिया, कंफ्यूजिंग होगा, ओके, हम क्या चाह रहे हैं कि जब प्रोग्रेस बार पे क्लिक हो तो ऑडियो ट्रैक की पोजीशन जो करंट टाइम है वो अपडेट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर विल डू अनदर इवेंट लिसनर, तो प्रोग्रेस बार पे
एक्चुअली नो, नॉट ऑन प्रोग्रेस बार, ऑन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस पे अगर हम कर दें ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट, राइट, और जब क्लिक हो तो हम सेट प्रोग्रेस नाम का फंक्शन कॉल कर लें. ठीक है, तो नेक्स्ट विल डू अ फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन टू सेट द प्रोग्रेस बार. अच्छा, तो यहाँ पे विल डू फंक्शन सेट प्रोग्रेस. अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें गेट करना है कि जब हम फंक्शन, जब हम प्रोग्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो हमें पता लगाना है कि हमने कहाँ पर क्लिक किया है. अच्छा, प्रोग्रेस बार जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली. ठीक है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जो विड्थ है उसकी एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजिशन है, 0 to 100 परसेंटेज में, सही है. और उसको हम अगर गेट कर लें डेटा को तो हम उसको फिर यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दैट फॉर अ फंक्शन. तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, कॉन्स्टेंट विड्थ को अगर हम गेट करें यूजिंग दिस डॉट क्लाइंट विड्थ, ठीक है, और इसको हम लॉक कर लें. एंड लेट्स ट्राई इट. सो अगर हम इसको क्लिक करें, ठीक है, तो वी हैव द टोटल विड्थ एंड इट्स, ये पिक्सल्स हैं आई थिंक 167, ठीक है. तो ये हमारे पास ओवरऑल विड्थ आ गई, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हम इवेंट पैरामीटर को पास कर दें. तो यहाँ पर हम इवेंट पैरामीटर को गेट कर लें, और यहाँ पर अगर हमें ये पता लगाना है कि जो क्लिक हो रही है प्रोग्रेस बार में कहाँ पर हो रही है, तो एक प्रॉपर्टी आती है इवेंट के अंदर कॉल्ड ऑफसेट एक्स, ठीक है. तो विड्थ में हमें आ गई जो टोटल विड्थ है उस प्रोग्रेस बार की. दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि जो करंट पोजीशन है एक्स एक्सिस पे वो चाहिए, तो वी कैन यूज़ ऑफसेट एक्स. तो अगर हम यहाँ पे करें इवेंट पैरामीटर में जाके ऑफसेट एक्स, तो लेट्स ट्राई दैट. ठीक है, तो डिपेंडिंग कि हम कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं प्रोग्रेस बार के अंदर, जो भी ओवरऑल विड्थ के अंदर से करंट एक्स वैल्यू है वो मिल रही है. तो एक्स वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 to 167 के बीच में से कुछ वैल्यू में मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, तो दिस विल बी योर क्लिक. तो कॉन्स्टेंट इसको हम नेम कर लेते हैं क्लिक लोकेशन कर लेते हैं इक्वल्स ई डॉट ऑफसेट एक्स. ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गई हमारे पास टोटल विड्थ इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, और दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास उस लोकेशन पर जहाँ पर हमने क्लिक किया है इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स. तो पहले हम परसेंटेजेस में कैलकुलेशन कर रहे थे, नाउ हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स. बेसिकली इट डजंट मैटर बिकॉज हमें इवेंचुअली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट, और वो हम कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला टाइप ऑफ थिंग. अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि लास्ट चीज़ हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट सेट कर लेते हैं, गेट दी ओवरऑल विड्थ
in pixels for progress bar container. और यहाँ पर हम कर लेते हैं get the x axis pixel value for the location of click, ठीक है, on the progress bar container. Hopefully ये समझ आ गया. अच्छा, next हम क्या करेंगे कि जो total track की duration है उसको get कर लेंगे. Get the total duration of the track. ये कहाँ से get करेंगे? Duration equals audio के अंदर से duration get कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास ये सारा data आ चुका है. अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये तीनों चीज़ों को use करके हम calculate कर सकते हैं कि overall duration में से current time क्या होना चाहिए. तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ऑफसेट एक्स वाली जो वैल्यू है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स कि आपने क्लिक कहाँ किया है, वो उसको हम यूज़ करेंगे एंड वी डिवाइडेड बाय द ओवरऑल विथ. ठीक है, एक्चुअली वी यूज दिस नॉट ऑफसेट एक्स, क्लिक लोकेशन डिवाइड बाय विथ. ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल ड्यूरेशन से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा कि ये हमें डिफाइन कर देगा कि करंट जिस जगह पर हमने क्लिक किया है उस जगह पर ऑडियो फाइल के अंदर टाइम क्या था. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शंस. तो हम क्या करें कि इस वैल्यू को यूज़ करें एंड ऑडियो के ऑडियो एलिमेंट में जाके करंट टाइम को रिप्लेस कर दें. So reassign the current time of audio track using by calculating based on above metrics. ठीक है, तो ये चीज़ों को यूज करके हम करेंट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, अब अगर हम इसको प्ले करें एंड लेट्स ट्राई इट, तो होना ही चाहिए ये जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे उस लोकेशन के हिसाब से करंट टाइम अपडेट हो जाएगा और प्रोग्रेस बार भी मूव होगा एंड ऑडियो की जो ऑडियो का प्लेबैक है वो भी उस टाइम के हिसाब से कंटिन्यू होगा. एक चीज़ चेक करनी है कि जब सॉन्ग एंड हो जाता है, अच्छा जब सॉन्ग एंड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो प्रोग्रेस बार है वो 100% तक पहुंच चुका है लेकिन इट्स नॉट स्टॉपिंग, राइट, मतलब ये एक इन्फिनिटली स्टक हो गया, एक लूप पर चल रहा है एंड इट नेवर एंड्स. तो ये हमें करना है कि जब भी सॉन्ग एंड हो जाएगा, जब भी ट्रैक हमारा इसकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमें करना तो ये चाहिए कि नेक्स्ट ट्रैक पे जाना चाहिए, राइट, इंस्टेड ऑफ ये कि आप मैन्युअली करें, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए. सो इसके लिए हम एक और इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं, लिसन फॉर एंड ऑफ सॉन्ग, end of playback for current track. तो audio element को हम event listener add करेंगे audio element के ऊपर and हम listen करेंगे ended is another event जो audio element के साथ आता है ended के नाम से. तो जब भी ये वाला इवेंट होगा इसका मतलब ये है कि जो आपकी करंट ऑडियो फाइल है वो अपने ड्यूरेशन में एंड तक पहुंच चुकी है, राइट. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है. ऑलरेडी हम नेक्स्ट सॉन्ग का एक फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं कॉल्ड नेक्स्ट ट्रैक, राइट. तो नेक्स्ट ट्रैक क्या करता है कि हम ट्रैक के इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और लोड कर देंगे नेक्स्ट ट्रैक को और उसको प्ले कर देंगे. So all we have to do is call next track.
अब अगर दोबारा से चेक करें इसको, लास्ट पे ले जाएं, लेट्स सी, इसको ऑटोमेटिकली ट्राई अगेन, यहाँ पर ये एंड होता है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सॉन्ग पे प्ले होना चाहिए, देयर यू गो. तो दैट्स इट आई थिंक, सारी फंक्शनैलिटी हमारी हो चुकी है. आई गेस नाउ इसमें यू कैन ऐड एडिशनल सॉन्ग्स, इसमें और मज़ीद टेस्टिंग हो सकती है, एंड यू कैन हैव सम फन विद दिस ऐप. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी वी डन, जो हमने क्लास में ऐड करनी थी. बाकी एडिशनल फंक्शनैलिटी फॉर प्रैक्टिस आपको करना ये चाहिए कि यू कैन गो टू गूगल एंड गो टू MDN ऑडियो, MDN ऑडियो. यहाँ पर आप आएंगे अगर, तो यू कैन सी ऑल द एट्रीब्यूट्स. जैसे हमने HTML5 में देखा था कि आप अगर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो इट ऑटोमेटिकली एड्स जो HTML5 के बिल्ट इन कंट्रोल्स हैं, राइट. तो उसके अंदर यू हैव द वॉल्यूम सीकिंग, जो प्रोग्रेस बार है बेसिकली, प्ले एंड रिज्यूम. तो ये वाले फंक्शंस डिफॉल्ट वाले भी आ सकते हैं. इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर आप वॉल्यूम को ऐड कर सकें. उसके लिए यू शुड हैव सम events and functions. Let's see here. Volume change. The volume has changed. ये event है. इसको use करने के लिए you can do something. एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, राइट. तो जी, ये तो एक्चुअली रिवर्स होगा, राइट, कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर आपने क्या करना. हाउ विल यू एक्चुअली डू द वॉल्यूम चेंज, उसके लिए यू हैव टू रीड सम स्टफ यहाँ पर. इवेंट्स एट्रीब्यूट्स. इनकम्प्लीट लग रहा है थोड़ा. सर्च करते हैं. ये आ गया मेथड्स. ओके, सो यू हैव प्ले, पॉज, इवेंट्स, वॉल्यूम चेंज. या डॉक्यूमेंटेशन काफी एक्सटेंसिव है, यू कैन read it and figure it out. ठीक है, तो that's your assignment. I think अगर आप volume buttons add कर सकते हैं, I would like that. तो try it के आप कोई slider type की, volume का slider होता है, right, कि आप जैसे progress bar है, something like that, volume के लिए कोई slider हो, उसको आप adjust करके इस player का volume एडजस्ट कर सकें, तो वो आप बिल्ड करें. एंड दैट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. फिर हम लोग इंशाल्लाह विल मीट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. थैंक यू गाइस.